उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एसपी हैं अशोक शुक्ला। कुछ दिन पहले एसपी शुक्ला खासी सुर्खियों में रहे थे क्योंकि एक बाइक चोरी गैंग से जुड़े कुछ पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को उन्होंने बड़े खरे खरे अंदाज में झाड़ा था। अब एक बार फिर एसपी अशोक शुक्ला ने फिरोजाबाद से कुछ कुछ ऐसा ही केस सामने रखा है। केस की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, वो अपना ऑटो खड़ा करके सामान देने के लिए दुकान में गया हुआ था। उसके बाद दो लड़के आते हैं, उसका ड्राइविंग सीट के नीचे की चेन काट करके उसका 1,10,000 रूपये निकाल लेते हैं। वो जो अपने घर जाता है उसे देखता है तो पैसा नहीं था। वो आके रसूलपुर थाने में तहरीर देता है, मैंने उसका मुकदमा कायम कराया और हमने चेकिंग लगवा दिया पूरे जनपद में। आगे वो बताते हैं कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके आधार पर चोरों को पकड़ा गया और कहा गया कि पैसा दो, तो वो बोले कि साहब पैसा तो हमारा दरोगा जी ले गए हैं। आगे एसपी शुक्ला बताते हैं कि किस तरह एक दरोगा और दो सिपाहियों ने एक चेकिंग के दौरान पकड़े गए चोरों से पैसे ले लिए थे और चोरों की मोटरसाइकिल के पीछे पीछे अपनी जीप चलाकर उन्हें जिले की सीमा से बाहर सुरक्षित छोड़ आए। चोरों से करीब 1,00,000 रुपए ले लिए गए थे। पुलिस ने जब पड़ताल की तो आरोपी पुलिसकर्मियों के पास से इस रकम की रिकवरी भी हो गई और उन्होंने अपराध स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद दरोगा सुनील चंद, सिपाही राजेश कुमार, सिपाही सुरेंद्र और ड्राइवर बालकिशन को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सितंबर में एसपी शुक्ला ने एक बाइक चोरी गैंग में पुलिस वालों और पत्रकारों की संलिप्तता उजागर करते हुए कहा था, चोरी की घटनाएं तब ही बंद होंगी जब चोरी का सामान खरीदने वाले पकड़े जाएंगे। गाड़ियों की चोरी भी तभी बंद होगी जब चोरी की गाड़ी खरीदने वाले बंद हों। इसमें हमारे कुछ जवान शामिल हैं, दो तो हमारे ही सिपाही हैं, एक का ट्रांसफर आगरा हो चुका है। इनके घरों से चोरी की बाइक बरामद हुई है। कुछ पत्रकारों के नाम भी सामने आए हैं। अब जब एक बार फिर अपराध में पुलिस की भूमिका सामने आई है तो एसपी ने कहा कि ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि जब रहबर ही रहजन बन जाए तो कैसे काम चलेगा, इसलिए इस मामले में बेरहमी से कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।